नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये चैनल आप ही का चैनल है और मैं भी आप ही का किसान भाई हूँ। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे किसान भाइयों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है और उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक समय समय तक भेजता रहता हूँ। तो मेरे किसान भाइयों, आज समय हो गया है 14 अगस्त और 14 अगस्त का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अंदर मैंने खीरे की फसल करी है और खीरे की फसल करीबन मेरी 1 एकड़ की है और प्रोडक्शन में बहुत अच्छा ले रहा हूँ क्योंकि विपरीत मौसम के अंदर मैंने सब्जियों की फसल करी है। तो बारिश के मौसम के अंदर अगती जो सब्जी रहती है बारिश के अंदर खीरा, तो बहुत कम किसान भाई कर पाते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं है खीरे करने की। मैं हमेशा तक जो साइंस और जो प्राचीन सभ्यता है साइंस को मिलाता हूँ और अच्छी तकनीक से मैं हमेशा खेतीबाड़ी करता रहता हूँ। तो आज रात को मैं ऐसे ही मतलब आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने कितना 1 एकड़ के अंदर माल तोड़ा है और ये हमारे ये कैरेटे भरी है, इसको हमने छटाई कर दी है खीरे की, बिल्कुल ये कैरेटे हैं। तो 1 एकड़ के अंदर मैंने तोड़े हैं 100 कैरेट टूटी है मेरी, 2, 4, 5, 7 कैरेट हैं खराबी हो गई, उसको हमने काने वगैरह दाग धब्बे लगे हुए थे तो 2, 4, 5 कैरेट तो हमने साइड में कर दिया है। तो 100 कैरेट हमने तोड़े हैं खीरे की 1 एकड़ के अंदर। यह दूसरा तोड़ है क्योंकि पहला तोड़ तो करीबन ये मान के चलो कि 40 कैरेट टूटी थी पहला तोड़, और 1 एकड़ के अंदर हम दूसरा तोड़ टूटा है मेरा 100 कैरेट का। तो 1 कैरेट 25 किलो की 1 कैरेट है तो 100 कैरेट हो गई मेरी किसान भाइयों, 100 कैरेटों में वजन हो गया 2500 किलो, 2500 किलो ये मैंने 2500 किलो 1 एकड़ के खेत के अंदर मैंने ये खीरे तोड़े हैं 2500 किलो और बाजार में जा रहे हैं अभी बीज के हिसाब से, तो बीज के हिसाब से ये जा रहे हैं। तो एवरेज लगा लीजिए कितना, इसको मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो इसका गुणा करा तो ये 50,000 का ये हो गया है, 50,000 के मेरे दूसरा तोड़ है 50,000 रुपये का। तो 2500 × 20 का 20 भी करता हूँ तो 50,000 का ये खीरा हो जाता है करीबन मेरा दूसरा तोड़। अब ये देख लीजिए खीरे, ये छटाई चल रही है हमारे खीरे की और रात्रि का समय है और जो खराब खीरे होते हैं तो इसको हम साइड में निकाल देते हैं, तो खराब बिल्कुल नहीं हो रहे मेरे, करीब हम 100 कैरेट के अंदर से 3 या 4 कैरेट खराब की निकली है बिल्कुल। ये हमारी कृषि सहयोगी है जो खीरे की छटाई हो रही है मेरे किसान भाइयों। खीरा अगर तकनीक से आप करोगे वर्षा मौसम के अंदर तो मेरे किसान भाइयों आप बहुत अधिक आमदनी कमा सकते हो। ये देख लीजिए जैसे जैसे मैं खेती करता जाता हूँ मेरे किसान भाइयों, वैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता जाता हूँ। तो बिल्कुल खीरे की जो साइज़ है, साइज़ भी आप देख लीजिए बहुत अच्छी साइज़ है और ये खीरा पाउजा 55 नंबर का है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, आपको और भी मैं बता देता हूँ। मेरे फार्म हाउस में रात्रि को छटाई चलती है और फिर सुबह 3 बजे गाड़ी लोड करता हूँ, गाड़ी भी मेरी खुद की गाड़ी है। तो ये सामने जो इंडिकेटर चल रहा है ये पिकअप है मेरी खुद की, इसी पिकअप के अंदर मैं खीरे लेके जाता हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, कृषि के अंदर पैदावार करने का जुनून होना चाहिए किसान भाइयों के अंदर। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप किसी के अंदर पैदावार नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा आत्मविश्वास के साथ पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ कृषि करता जाता हूँ और आपके लिए मैं वीडियो भी बनाता जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा देश का किसान सक्षम हो, सक्षम होए, उन्नति करे और बहुत अच्छी पैदावार करे। तो बारिश के मौसम के अंदर जो मेरे खीरा का प्रोडक्शन है ये मैंने बहुत अच्छा प्राप्त किया है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि मेरे किसान भाइयों को मेरे खीरे का जो प्रोडक्शन है वह मैं जरूर बताऊँ। तो मेरे किसान भाइयों, रात्रि के समय में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और आशा करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो आपसे निवेदन है,
बिल्कुल 100 बार निवेदन है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें, जो उनकी तरक्की हो सके। और जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप तो जरूर करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।